प्यारे दोस्तों, इस फकीर योगी वीरेंद्र जी का सत्यमन आपका अभिनंदन, स्वागत और शस्त्र बंधन। बेटी और बेटों, बहन और भाइयों, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, भौतिकी विज्ञान का प्राध्यापक रहा हूँ और जिंदगी में कभी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं किया, कभी भी लोगों के कहे हुए बातों पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि मेरे दोस्त रहे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, जब तक उसकी सच्चाई का परख नहीं लिया जाए, उसको प्रमाणित नहीं किया जाए, तो मूर्ख लोग अंधविश्वास के रास्ते चले जाते हैं और अपने जीवन को नरक में डाल देते हैं। आज की दुनिया में देखिए, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो बहुत सारे धर्म प्रवक्ता ने लोगों को सिखा दिया और जिससे दुनिया बट गई और आपस में भिड़ गए, खून की नदियां बहा दी, एक दूसरे के जान के सौदागर बन गए, मौत के सौदागर बन गए। देख लिए इसराइल और पैलेस्टीन में क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अपनी दुनिया को अपनी नजरिए से देखो, किसी की कही हुई बात पर विश्वास मत करना मेरे भाई। अंग्रेजी में बोलते हैं ओपिनियंस, एवरीवन हैज ओपिनियंस एंड दे आर गोइंग टू शेयर विथ यू, बट नेवर 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 ट्रस्ट देयर ओपिनियंस। दैट हैज बीन सेड इन गीता, रामायण, कुरान, ऑल्सो इन बाइबल, ऑल्सो इन बुद्धिज्म, एवरी रिलीजन, दे हैव गेट देयर स्क्रिप्चर एंड देयर इट हैज बीन मेंशनड। But what I tell you, if you are really interested to understand the truth, you should also verify it. But my religion is the religion of intelligence, the religion of wisdom, the religion of surviving together. The whole earth is our family. All the creatures have feelings like us and all have to be happy. The world, earth, planet belongs to everyone. ये सबों का है, ये धरती सबों का है। आप मयूर की आवाज सुन रहे होंगे, मेरे बैकग्राउंड में है, मैं जंगल में बैठा हूं, ये मेरा ज्ञान केंद्र है जहां मैं अध्ययन कर रहा हूं। लेकिन मैं तो अध्ययन करता रहा और आप तक बातें पहुंचाती रही, लेकिन अब कब जगेंगे। मेरा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा था उंगली मार राक्षस को, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा। प्यारे दोस्तों, यही मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं तो सही रास्ते पकड़ लिया हूं, ज्ञान की रास्ता, ज्ञान के राह, और अपनी नजरिए से देखने की एक परंपरा सा डाला हूं। इसीलिए कोई भी धर्म मेरा नहीं है, क्योंकि धर्म में एक काल्पनिक शक्ति की कल्पना की जाती है। कोई राम कहता, कोई कृष्ण कहता, कोई मोहम्मद पैगंबर कहता, कोई जेसस का बाप कहता, कोई तरह तरह के बोल देते हैं, क्योंकि वो डराने के लिए है। खुद में इतनी ताकत नहीं कि लोगों को समझा बुझा सके, तो एक काल्पनिक ताकत को बताता है कि मैं उसका सब कुछ जानता हूं और तुम मेरा नहीं सुनेगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन मेरे को सर्वनाश की कोई फिक्र नहीं है, सर्वनाश तो उसका होगा जो अज्ञानी और मूर्ख हो। इसीलिए सर्वनाश हो चुका जो किसी की कही हुई बातों पर चला और दुनिया को आग में जला दिया। ये आतंकवाद, ये दहशतगर्दी, ये बैर, ये दुश्मनी, एक दूसरे को मारने के लिए कोरोना वायरस बनाना, एक दूसरे की हत्याएं के लिए तरह तरह के हथियार बनाना, एटॉमिक बम हो, हाइड्रोजन बम हो, तरह तरह के बम हो, ये क्या है भाई। अरे मेरी भाषा सुनो, मैं कोई धर्म नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूं, जो मेरा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने बताया था, सत्य ही जीवन है, सत्य में एक जयते, और सत्य है सब लोग साथ मिलकर जियो, जिसे नरेंद्र मोदी भी बोलता है बार बार, सबका साथ, ये सच्चा ज्ञान है, सबका विकास ये भी सच्चा ज्ञान है, और सबका विश्वास। तो इसका जो बृहत, इसका जो परिभाषा है वो यह है कि जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जितने भी लोग हैं सब इसको समझें और सब इसको अमल करें।